अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम टेलेनास के साथ खेल रहे हैं। टेलेनास एक मार्क्समैन है जो ड्यूअल लेन जाता है, यानी कि ड्रैगन लेन। टेलेनास एक मिली हीरो है, एक रेंज हीरो है जिसकी अटैक स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और तेज़ होती है। इसकी एबिलिटीज़ के बारे में अभी बताता हूँ। उसकी जो S1 होता है, उसका S1 से उसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी रेंज बढ़ जाती है और उसकी अटैक स्पीड भी बढ़ जाती है। अच्छा, S2 जो है उसका, वो एनिमी को मतलब कि एक डायरेक्शन में 3 एरोज निकलते हैं उसके, और फिर उसका वो थोड़ा स्लो भी करते हैं और डैमेज देते हैं एनिमी को। अच्छा, उसका जो S3 है वो अपना, उसको एनिमी को एक डायरेक्ट वो एक एक एरो निकलता है, ठीक है ना, और वो उसको थोड़ा सा स्टन कर देता है एनिमी को जो भी टारगेट में हो ना, और डैमेज देता है। अच्छा, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि मैं इधर अब आ गया हूँ, ठीक है ना। साथ में मेरे वायलेट है, ये वायलेट लेने तो नहीं चाहिए सपोर्ट, मगर हमारे पास कोई और था नहीं। अच्छा, ये दोनों लो हैं, मगर मैं किल कंफर्म कर सकता हूँ, तो फिर मैं आगे फ्लैश करूँगा और देखूँगा कोई किसी एक को तो पकड़ लूँगा मैं। अच्छा, हमारी S1 आ गया है, यानी कि हमारी जो पहली एबिलिटी थी वो आ गई, जिससे हमारी रेंज बड़ी हो गई और फिर हमने उसे मार दिया। चलो, सबसे पहले अब हम वॉर बूट्स ले लेते हैं। ये बिल्ड आर्काना सब लास्ट वीडियो के एंड में दे दूंगा मैं आपको। और अब हमारी ये जो वेव है ये क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस बर्ड को मार देते हैं। इस बर्ड को मारने से होता ये है कि जो अपना हमारी तरफ का जो एनिमी जंगल है उसमें विजन देगा ये। अभी ये दूसरी वेव भी आ गई है, तीसरी आई थिंक। अब हम देखते हैं, ये बिल्ड करूँगा मैं। अभी ड्रैगन आ गया है, मगर हमारा जंगल अभी नहीं आया है, तो ड्रैगन अभी सोलो नहीं स्टार्ट करेंगे। हाँ, मगर एनिमी का जंगल उधर नज़र आ रहा है, तो हम बफ चुरा लेते हैं एनिमी का। अच्छा, बफ से आपका मैना रिगेन होता है और थोड़ी हेल्थ रिगेन होती है। अब ये दोनों हैं इधर, और उसकी HP लो कर दी मैंने और उसको ले गया। अभी इसको भी ले जाएंगे हम, हमारे पास S1 भी है, LP है, और ये डबल किल हो गया। किल कंफर्म कर लिया हमने उन दोनों के। अब मैं सिग्नल करता हूँ कि ड्रैगन शुरू करो, मगर हमारा फ्लोरेंटिनो अभी बिजी है उधर, तो इसलिए वो हम भी शुरू नहीं करते। फ्लोरेंटिनो बफ के बाद मेरे ख्याल से इधर आएगा। चलो, तब तक ये एनिमी मार्क्समैन को हम थोड़ा सा पोक करते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं, ड्रैगन शुरू कर दिए हैं उनने, ड्रैगन शुरू कर दिए और हम भी ड्रैगन को डैमेज दे रहे हैं। ये बस ड्रैगन मार दिया हमने, और ये एलिस इधर आई हुई, एलिस को नहीं पकड़ सकता है, मैं भाग गई। अभी ये वेव क्लियर करके देखेंगे, टरेट पुश करेंगे हम। ये एलिस ने स्लो कर दी और अब तो नहीं पुश कर सकते। मिनियन वेव भी हमारी ख़त्म हो गई, अब हम मिड में चलते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं। बल्कि नहीं, इधर ये लोग आ गए तो इसी एक को तो ले जाएंगे इधर, दोनों को ले गए। उनकी मार्क्समैन मेरे ख्याल से निकल गई, और अब हम ट्रेड पुश कर लेंगे। हमारी वेव भी आ गई, एनिमी भी नहीं है, और इधर से हम टरेट डिस्ट्रॉय कर लेंगे। टरेट तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसकी थोड़ी सी HP रह गई है, वो भी जल्दी मतलब कर लूँगा मैं। वेव आ गई है, और हालांकि एनिमी मार्क्समैन भी है पर उनकी HP लो है, तो मैं एम करूँगा उस पर। अच्छा, ये मेरी HP लो हो गई काफ़ी, तो अब मैं थोड़ा सा एबिलिटी को मतलब कि बच के भाग गया मैं।
अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि या तो रिकॉल करूँ या तो वो क्या करूँ। अब इसी हल्का सा इसमें टर्रेट के अंदर आ जाता है तो ये गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एचपी लो हो जाती है, और फिर मैं उसको भी ले जाता हूँ। और ये एलिस इधर घूम रही है, एलिस अगर मेरी एबिलिटी आ जाती है S2 तो मैं उसके मेरे ख्याल से एलिस को ले जाऊँगा। बस मुझे उसकी जो एबिलिटी है वो मतलब मिस करनी पड़ेगी मुझे। और ये हमारा पहला टर्रेट डिस्ट्रॉय होने लगा है। ये एलिस आ गई है दोबारा, लेकिन हालांकि इसका डैमेज तो दे रही है और स्लो भी कर रही है, मगर अटैक स्पीड डिफरेंस है। बस अब आगे मोलाज भी आ रहा है तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे, हम बस रिकॉल कर लेंगे। तब तक वायलेट उनको डैमेज देगी, मेरे ख्याल से एक को मार भी देगी। ये हमारी एचपी पूरी हो चुकी है, अब हम दोबारा उधर जा रहे हैं अपने टीममेट की मदद करने। ये आप देख सकते हैं गोल्ड वगैरह। इधर मैं सोच रहा था कि अगला आइटम कौन सा बनाऊं। ये वेव क्लियर हो गई है, अब आगे एलिस है। एलिस अगर इधर हल्की सी आती है तो उसको ले जाएंगे हम, पर खैर वो टरेट के अंदर है तो वेव क्लियर कर देते हैं हम। अच्छा, ये एलिस आई, ओ एलिस बच गई। अब हमें टरेट पुश कर लेना चाहिए क्योंकि टरेट ले जाएंगे हम, और टरेट ले लिया है हमने, साथ में एनिमी का जंगल भी खा जाते हैं। अभी इधर आ रही है, स्पेल्ड किया तो ये थोड़ा स्टन हो गया, थोड़ी पीछे भी हुई और फिर डैमेज भी दे दिया हमने बाद में उसको, नॉर्मल डैमेज ना कोई नॉर्मल अटैक। अभी इधर तीन लोग हैं और मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से एंगेज किया जाए, और एक गया, ये दूसरा भी गया। अब डैमेज देख सकते हैं मेरा। अच्छा, पीछे से नताली आ गई तो उसने किल ले लिया। खैर किल की कोई मसला नहीं होता है, एज लॉन्ग एज आप जीत रहे हो। अब बफ ले लेते हैं, जंगल ने बहुत बफ ले लिया है। अभी ड्रैगन हम ले तो सकते थे, मगर हम मैं देख रहा हूँ कि हमारा फ्लोरेंटिनो किधर है। खैर देखते हैं टर्रेट पुश कर सकेंगे या नहीं, अगर एनिमी नहीं आता तो हम ले जाएंगे। हाँ, ये ले जाएंगे हम टर्रेट, हमने उनका डिस्ट्रॉय कर दिया है। अच्छा, इधर भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और टॉप पे ये वेव क्लियर कर देते हैं। उससे पहले एनिमी हीरो को हम टारगेट करेंगे, और उस जैसे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डैमेज है इसका। और मुझे लग रहा है कि ये मार देगा मुझे, गया। चलो खैर हो गई, 10 किल करने के बाद एक बार मरो। मैं तो कह रहा हूँ कि इंग्लिश बोलो या कुछ और बोलो जो समझ आ जाए मुझे, ये क्योंकि वायलेट और फ्लोरेंटिनो की अलग ही जबान बोल रहे थे। अच्छा, ये नतालिया की चेज को चेस कर रहा है और उसके पास फ्लोरेंटिनो आ गया है और मर गया वो। नतालिया तो रिकॉल कर रही है तो फ्लोरेंटिनो अकेला है, तो हम उसके पास जाके उसकी हेल्प करेंगे और इन दोनों को मार सकते हैं हम आसानी से। बस वो मेरा वो रेंज ख़त्म हो गई, वरना दोनों जाते हैं। सैड, अभी हम उनका ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। तकरीबन मैच एंड होने ही लगा,
मैं इधर देख लेता हूँ कोने में कोई आएगा तो उसी को किल ले जाऊंगा। बल्कि खत्म हो गया मेरे ख्याल से। हाँ देखते हैं अभी भी कौन है, मैं हूँ या वायलेट है या फ्लोरेंटिनो है या नतालिया भी हो सकती है। चलो मैं ही हूँ MVP और डैमेज भी देख लेते हैं मैंने कितना डील करा है डिटेल्स में। हमने 33% ही सबसे हाईएस्ट डैमेज डील किया है। ये आगे मैं अब बिल्ड वगैरह ला देता हूँ। ये बिल्ड मैं यूज़ कर रहा था, मतलब ये भी बिल्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ये अरकाना यूज़ कर सकते हैं और ये एनहेंसमेंट यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।